त्रंबक काढ़ा चढ़ाई हूँ, जिसमें तुलसी अदरक और अजवाइन सरारा मिक्स है इसमें। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बच्चे लोग रेडी हो गए हैं और आज किट्टू को मैं उसके भाई के साथ ही भेजूंगी स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया तो मुझे जाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज उसके भाई के साथ ही भेज देती हूँ। भारी तो नहीं ज़्यादा। कैसे जा रहा दोनों भाई बहन? त्रंबे काढ़ा चढ़ाई हूँ, जिसमें तुलसी अदरक और अजवाइन सारा मिक्स है इसमें, ताकि सर्दी मेरा खत्म हो सके, इसलिए मैं काढ़ा बना रही हूँ। पी लेती हूँ फिर आगे झाड़ू पोछा लगाऊंगी। फिर 9 बजे आए हैं किट्टू के पापा ड्यूटी से, अभी शेक पी रहे। अभी बज गए 11 और मैं नहा चुकी हूँ और अभी लंच का तैयारी करूंगी। बच्चे लोग आने के पहले ही मैं लंच बनाऊंगी, क्योंकि वेद को ट्यूशन जाने का रहता है तो जल्दी खाता हूँ। और 1:30 बजे से किट्टू को लाने जाएंगे उसके पापा। कपड़े भी धुल चुके हैं, उसे अब ड्राई में डालूंगी सूखने के लिए। पहली बार बना रही हूँ ऐसे, मम्मी किधर थी तो बनाती थी, इधर मैं पहली बार बना रही हूँ। उसे तो खेक्सा कहते हैं, उसकी भुजिया बनाऊंगी। खेक्सा को राउंड शेप में कट कर ली हूँ और मिर्ची प्याज फ्राई कर ली हूँ, उसे डाल देती हूँ। तो चाहते ही आज भूख लग गया है किट्टू को, रोटी बनाने में मुझे आज लेट हो गया, क्योंकि वो मम्मी से थोड़ी बात होने लगी लेट हो गई। ऐसे तो मैं रोटी गरम गरम ही बनाती हूँ, रखती नहीं हूँ, जब खाने का होता तभी मैं बनाती हूँ फिर देती हूँ सबको। और आज का मौसम बहुत गर्मी किया हुआ है और बारिश भी नहीं हो रही है इधर। वो भूख तो लगी है और खाना भी मांग रही है, लेकिन खाने में उसे ये चाहिए चॉकलेट स्प्रेड। किट्टू को भूख लगी है और खाना मांग रही है, खाने में उसे सब्जी रोटी नहीं चाहिए, उसे चॉकलेट स्प्रेड चाहिए। उसे रोटी में लगा के, वो पता नहीं उधर 2-3 दिन से वो आदत सीख ली है, रोटी के ऊपर लगा के खाती है वो, तो उसे वही चाहिए, तो दे देती हूँ, नहीं तो रोना स्टार्ट करेगी वो। और रोटी के ऊपर मैं ये चॉकलेट लगा दी हूँ, उसको उसे फोल्ड कर दूंगी, यही खाएगी वो। अभी तो 2:08 हो गए हैं, लेकिन अभी वेद नहीं आया उसके पापा वेद, क्योंकि मीटिंग चल रहा होगा उन लोगों का, तो अब जब आएंगे तब उन लोगों को खाना लगा दूंगी मैं। वेद और उसके पापा आ गए हैं और उन लोगों का लंच लगा देती हूँ मैं। लंच में देख सकते हैं पनीर है और वो खेक्सा का भुजिया, रोटी और अपना प्याज। अभी शाम का 5:25 हो गए हैं और किट्टू अभी सो रही है, उसके पापा भी सो रहे हैं, अभी उनको ड्यूटी जाना है, तो अभी मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, वेद ट्यूशन गया है। सत्तू बना के रखी हूँ, आटा लगा के रखी हूँ, अभी उनको ड्यूटी जाना है तो बना लेती हूँ। जी, अदरक का काढ़ा रेडी है, किट्टू पापा को दे देती हूँ। टिफिन भी रेडी हो गई और पानी भी रेडी है और उनका बैग में डाल देती हूँ, अभी वो रेडी हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। तो कितने नींद में सो रही है किट्टू। अभी दिया दिखा दी हूँ और बच्चों के लिए भी डिनर बनाने जा रही हूँ, उन लोगों को आज बहुत जल्दी भूख लग गया है तो सत्तू पराठा ही बनाती हूँ। उसकी भी सर्दी नहीं गई है, लो जाम रहा। खाना हो जाएगा फिर किट्टू को होमवर्क कराऊंगी, क्योंकि आज जल्दी भूख लग गई है लोगों, तो इसलिए बना के दे दी हूँ, फिर उसके बाद पूरा होमवर्क चेक करूंगी उसका। के लिए सत्तू पराठा बन गया है, आज उस लोग को जल्दी भूख लग गई है तो दे देती हूँ। लो ग्रीन चटनी भी दी हूँ, ठीक है सोस ले लो ना तुम। खाना पीना तो हो गया है, किट्टू अपना होमवर्क भी कर ली, सारा बुक्स अरेंज कर रही है बैग में कल का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। वेद अपना हिंदी प्रोजेक्ट कर रहा है और अभी मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, जूठे पड़े हुए हैं सारे, मैं साफ कर लेती हूँ किचन को। धनिया को मैं अच्छे से धो के डब्बे में भर के फ्रिज में रखूंगी, ताकि ताजा रहे 1 हफ्ते तक। रात का 11:15 हो गए हैं और अभी हमारे दोनों बच्चे गए हैं सोने के लिए, क्योंकि वेद का प्रोजेक्ट था तो सारा कम्प्लीट किया। फिर
वेद को देख के किट्टू तो उससे भी याद आ गई मम्मा मुझे भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, फिर वो भी कंप्लीट करने लगी। तब तक मैं पूरे किचन को साफ कर ली, कुछ किट्टू को बताना था उसमें से बता दी मैं। तो बस काम तो बहुत ही रहता है, लेकिन बहुत मतलब बहुत सारा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, जो बहुत नॉर्मल है बस वही कर पाती हूँ, उन्हें तो ऐसे देखे तो बहुत सारा काम रहता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।